इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कोटक महेंद्र बैंक के नतीजे कुछ समय पहले आए, अनुमान से काफी बेहतर नतीजे थे। सबसे पहले नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। नतीजों की बात करें तो अनुमान से काफी बेहतर आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4,100 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। सालाना आधार पर 18% का ग्रोथ दिखाई दिया। अनुमान से कंपेयर करें तो 3,400 करोड़ का अनुमान था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, जो 4,100 करोड़ पे आया है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, 6,900 करोड़ पे नेट इंटरेस्ट इनकम आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% का ग्रोथ है। और अनुमान से देखें तो भी नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी सुधार दिखाई दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सुधार दिखाई दिया, 18% का सुधार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एसेट क्वालिटी भी इस क्वार्टर इंप्रूव होती हुई नजर आई। ग्रॉस एनपीए 34 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, 1.39% पर आए ग्रॉस एनपीए वर्सेस 1.73% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा प्रोविजंस में भी घटोतरी देखने को मिली, 264 करोड़ पे प्रोविजंस आए, 55% का डिक्लाइन देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो भी एक पॉजिटिव है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 5.28% पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन आए हैं वर्सेस 5.22% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 6 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ऑल इन ऑल नतीजे काफ़ी अच्छे थे, अनुमान से बेहतर आए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो भी नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव होती हुई नजर आई। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ आदित्य शाह जी जुड़ चुके हैं, जो हरक्यूल्स इन्वेस्टमेंट्स के फाउंडर है। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं, कोटक महिंद्र बैंक के नतीजे आपके हिसाब से कैसे रहे? पीछे काफी अच्छे हैं, जैसे कि आपने कहा, लोन ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास आई है, डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 13% के आसपास आई है। एसेट क्वालिटी जो हमें पहले से पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक की एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है। स्लिपेजेस जो कि नए लोन एनपीए बन गए हैं वो भी 1300 करोड़ के आसपास है, तो वो भी कंट्रोल के अंदर है। तो ओवरऑल नेट नेट बैंक अपने अनसिक्योर्ड रिटेल बुक को ग्रो कर रहा है फास्टर, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो कि हायर प्रोडक्ट मार्जिन है बैंक के लिए, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है बैंक के लिए, वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल नेट नेट मेरी कोई भी इस रिजल्ट से शिकायत नहीं है। आप कह सकते थोड़ा सा डिपॉजिट ग्रोथ कम है बाकी बड़े बैंकों के मुकाबले, पर चिंता की कोई बात नहीं है, आगे जाके कोटक बैंक उसको रैंप अप कर देगा। नेट नेट अच्छा रिजल्ट है और थम्स अप है कोटक महिंद्रा, काफी अच्छे थे। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबकी नजर कमेंट्री पर रहेगी। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कंपनी पर, जिसकी कमेंट्री कंपनी आज देगी, लेकिन सोलली नंबर्स के बेसिस पर देखें तो स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकता है सोमवार को? देखिए, स्टॉक जो है अभी स्टॉक के ऊपर कुछ हैंगओवर्स हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक ना पॉजिटिव ना नेगेटिव वे में रिएक्ट करेगा। कॉल पे मैनेजमेंट को क्लियर करना होगा कि आरबीआई ने जो उनके ऊपर एम्बार्गो लगाया है, उनको बोला है कि आप डिजिटल एक्विजिशन नहीं कर सकते क्लाइंट्स का, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी रोक लगाई है आरबीआई ने। तो अब सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट को क्लैरिफाई करना होगा कि हुआ क्या था, इतना बड़ा कठोर स्टेप आरबीआई ने क्यों उठाया, और कोटक बैंक क्या स्टेप्स ले रहा है और क्या टाइमलाइन रहेगा कि वो इस इशू को रिजॉल्व कर पाए। हमने की देखा है कि बजाज फाइनेंस के ऊपर आरबीआई ने भी एम्बार्गो ऐसा लगाया था, बट बजाज फाइनेंस ने आरबीआई को सेटिस्फाई कर लिया और उनके ऊपर से आरबीआई ने एम्बार्गो हटा दिया। तो बहुत क्रूशल रहेगा मंडे स्टॉक को, स्टॉक की रिएक्शन के लिए मैनेजमेंट आज कॉल पे क्या कहती है। और आपको याद होगा कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे केवीएस मनियन, वो भी उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया है, तो ये कलर देना होगा मैनेजमेंट को कि स्टेबिलिटी क्या है टॉप मैनेजमेंट की, और कोई और भी लोग जो हैं उदय कोटक के जो साथी हैं वो छोड़ के जाने वाले हैं या नहीं। तो ये कमेंट्री बहुत ही क्रूशल रहेगी मंडे स्टॉक रिएक्शन के लिए। बट प्योरली नंबर्स के हिसाब से देखें तो स्टॉक को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, पर ये कमेंट्री के बाद ही हम कुछ नतीजे पे आ पाएंगे कि क्या होगा स्टॉक।
की कमेंट्री काफी क्रूशियल रहेगी। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मेंशन किया कुछ लीडरशिप चेंजेस के बारे में, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो कोटक पर क्या आउटलुक बनता है वर्सेस बाकी पीयर्स, HDFC एक्सिस से कंपेयर करें तो काफी सारे रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, तो कोटक पर मीडियम टर्म के नजरिए से क्या आउटलुक बनता है? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक हमेशा एक प्रीमियम पे ट्रेड करता था, उसे कहते थे उदय कोटक प्रीमियम। बैंक 4 से 5 टाइम प्राइस टू बुक के ऊपर ट्रेड करता था, जो कि वैल्यूएशन मेट्रिक है बैंकों के लिए। अब वैल्यूएशन उदय कोटक के जाने के बाद नीचे आ गया है और वो 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लोएस्ट है कोटक महिंद्रा बैंक की हिस्ट्री में, पहली बात। दूसरी बात, कोटक महिंद्रा बैंक के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि वो RBI के इस एम्बार्गो से आसानी से निकल जाएंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरी बात, नई मैनेजमेंट आई है तो अब मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी भी वो लेकर आएंगे बैंकों के लिए, ताकि बैंक के लिए, ताकि इन्वेस्टर पैनिक ना करें और बैंक आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से, मेरा व्यू, अगर कोई लंबे अवधि से निवेश करना चाहता है कोटक बैंक के ऊपर, पॉजिटिव रहेगा। और उन्हें ध्यान रखना होगा कि अगले 6 से 12 महीने कड़े होंगे, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी। तो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये वन ऑफ द टॉप पिक्स रहेगा, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो ये राय थी कोटक महिंद्रा बैंक पर। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। नतीजे काफ़ी अच्छे थे और राय भी काफ़ी अच्छी आ रही है। मीडियम टर्म के नज़रिए से स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म में थोड़े रेगुलेटरी चैलेंजेस रह सकते हैं। आगे